मेरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जो चीज रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई कि जब तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो, कोई जरूरत पेश आए, तो फिर खड़े हो जाओ अल्लाह के दरबार में, तन्हाई दो रकतें पढ़ो जिसको सलातुल हाजा कहते, और दो रकतें पढ़कर कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु अलहलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम। उसके बाद एक और दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मुजीबात रहमतिक व ज़ाइब व मग़फिरतिक मिन जियात अम्रिक व सलामत मिन कुल इस्म गरीमत मिन कुल बिर वल फौज बिल जन्नत व नजात मिन नार। ये अपनी जगह, चलो वो ना अगर याद नहीं है तो ना सही, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाहु अलहलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये कहकर अपनी हाजत अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश कर। ये तरीका खुद रसूल करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर हाजत के, चाहे वो इनफरादी हाजत हो और चाहे इज्तिमाई हाजत, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताली। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।